आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो लहसुन आज से 8 साल पहले 20,000 रुपए क्विंटल तक बिकता था, आज वह लहसुन मात्र 800 से 1700 रुपए की कीमत में बिक रहा है। जिन किसानों ने बड़ी आस से यह फसल लगाई थी, अब वे बेहद निराश हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के केलोद गांव के ज्यादातर किसान लहसुन की फसल लेते आए हैं। इस साल की नई फसल अभी आना बाकी है, लेकिन जो पहले पिछले साल का लहसुन उनके घरों में अच्छे भाव की आस में रखा था, उसे अब मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि अच्छे लहसुन की कीमत 17 रुपये किलो और छोटे लहसुन की कीमत मात्र 8 रुपये किलो के हिसाब से वे इंदौर की मंडी में बेचकर आए हैं। इन दिनों किसानों को किसी भी फसल का भाव ठीक से नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त देवास के केलोद गांव में खड़े हैं और यहां पर लहसुन बड़ी मात्रा में किसानों ने बोया है, लेकिन हालात ये है कि एक ज़माने में जो लहसुन 24,000 रुपये क्विंटल तक बिकता था, वो अब 1500-1600 रुपये क्विंटल के रेट में यहाँ पर मंडी में बिक रहा है। हम किसान से बात करते हैं और पूछते हैं कि कब कब उन्होंने ये लहसुन बोया और आज क्या स्थिति है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोतीराम। कब से आप ये लहसुन का बो रहे हैं? कब से? 12 साल से। कितना आपको मतलब अधिकतम मूल्य इसका मिला है आज तक? ये 12,000, 14,000, 16,000 तक, 20,000 तक। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये 8 साल पहले की। लेकिन आज मंडी में क्या रेट चल रहा है? आपने बेचा भी है, अभी मंडी में क्या भाव बिका है? 1700 और 800 रुपये किलो के हिसाब से क्या रेट हुआ? ये 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में प्याज का रेट चल रहा है 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। लेकिन लहसुन का रेट जो भी कुछ चल रहा है वो जो अच्छा है सर। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको ये फसल कोई फायदा दे रही है? कुछ भी फायदा नहीं दे रही अभी तो। तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? आप किसान हो, आपको मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण है कि इतना सस्ता है माल जा रहा है, कि ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, कि किसान की या सरकार की योजनाएं ठीक से नहीं मिल रही, क्या कारण है? सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस फसल पर। क्या करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से? ये भाव बढ़ाना चाहिए और क्या। तो ये स्थिति है कि जो एक ज़माने में 20,000 रुपये क्विंटल के रेट से जो लहसुन यहाँ पर बेचा है इन्होंने 8 साल पहले, उसकी स्थिति ये है कि 1500-1600 लेके 2000 रुपये क्विंटल तक, यानी किलो का भाव माना जाए तो 20 रुपये किलो के रेट में ये लहसुन बिक रहा है, जो कि ये लहसुन आयुर्वेदिक कंपनियों को भी जाता है, उनको भी सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। उसके बावजूद अगर ये 20 रुपये किलो की स्थिति में बिक रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि किसानों की स्थिति इस समय भाव को लेकर के बहुत ही विकट है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। लहसुन की फसल में लगभग 7 बार पानी देना होता है, साथ में कम से कम 3 बार निंदाई करनी होती है। लहसुन को खोद कर निकालने और उसकी सफाई कर पैकिंग करने तक का काम अधिकतर महिलाएं करती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अब कौड़ी के दाम लहसुन बिकने से महिला कृषक भी निराश हैं। लहसुन की इस फसल में पुरुषों के साथ में महिला किसानों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। लगातार वे खेत में मेहनत करती हैं और जब ये फसल हाथ में आती है तो उसकी साफ सफाई से लेकर हर चीज़ करनी पड़ती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये महिलाएं ये साफ कर रही हैं। इसको साफ करने के बाद इसको बेचा जाएगा और इसको बेचने के लिए इतनी मेहनत अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। और हम उन्हीं से पूछते हैं कि कितनी मेहनत है, उस मेहनत का वाकई में क्या उनको फल मिल रहा है। आप ये बताइए कितनी मेहनत लगती है इसमें? इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्या क्या करना पड़ता है आपको? इसको दो वक्त तो चाला है, फिर काटा है, फिर हमने इसको छाना है, फिर इसको छाटा है, फैचो डबल में मेहनत लगती है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। हम सुबह से 8 बजे 7 बजे के आ जाते हैं, तो खेत 7 बजे घर पे जाते हैं। अच्छा, कितने महीने में ये फसल आ जाती है? ये तो 6 महीने में, 6 महीने में, 5 महीना में, 4 महीना में, जैसे लहसुन का पानी का ऊपर है। अच्छा, इसको जब बोया जाता है उसके बाद कितनी बार पानी देना पड़ता है और कितनी बार इसकी मतलब इसकी सेवा कितनी करनी पड़ती है? इसकी सेवा करनी पड़ती है, मतलब 6-7 पानी देते हैं और इसको 3-4 बखत खुदाई करनी पड़ती है। बहुत मेहनत लगती है। हाँ, खोद कर निकालते है, चोपते भी है तो हाथ से चोपते है। बहुत मेहनत लगती है इसमें। हाँ, महिलाएं करती है। तो अधिकतर ये जो काम है मेहनत का जो इसमें लगा है इस लहसुन में, और ये कह सकते हैं कि महिला कृषक ये काम करती हैं, उसके बावजूद आज की डेट में इनको इसकी मेहनत का कोई लाभ मिल नहीं रहा है। हम पूछते हैं, आप ये बताइए कितनी लागत लग जाती होगी एक, मान लीजिए एक क्विंटल है? एक क्विंटल पर हमारे 3,000 रुपया तो दवा दारू का इनका लगी जाता है। उसके बाद में हमारी दाड़की बगल है, निंदई बगल है। हम दिन रात हम काम करते हैं, सवेरे 9 बजे से तो शाम तक 8-6 बजे तक करते हैं काम। कितना भाव मिलना चाहिए आपको, क्या लगता है? हमारे 10,000 का मिलना चाहिए भाव, फिर ज्यादा नहीं था बहुत कम। अभी तो 2,000 का मिल रहा है, अभी 1700 को है खाली। हाँ, क्या किसको दोषी मानती हैं आप इसके लिए?
अब की अब जो ज्यादा भाव ले उनका दाम है तो अब बहुत भाव कम है जो मतलब कि अब हम साफ कर ही रहे सवेर से दाड़किया लगे रहे दाड़किया की हमारी दाड़की नहीं निकले रही। ये स्थिति है यहाँ अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में किसानों की कि लगातार मेहनत करते हैं, लागत मूल्य की लागत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि दवा और केमिकल के नाम पर दवाई छिड़ी जाती है, बहुत महंगी मिलती है, इनपुट लागत लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन आउटपुट के रूप में उनको ठीक से फसल का भाव नहीं मिल रहा है। और रही बात मेहनत की तो वो तो बिल्कुल फ्री में जा रही है। तो किसानों की जब तक स्थिति ये इस तरह बनी रहेगी मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था में सुधार की अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल है।